फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं ये नेल एक्सटेंशन, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने नेल को, पूरे नेल के साइज को, शेप को मैंने एक जगह सेलेक्ट करके रख लिया है। आपको भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि फिर हर साइज का अलग अलग शेप साइज का नंबर होता है, और आपको ऐसे ही आपको हर फिंगर का शेप लेना है। और इसके बाद आपको नेल ग्लू से चिपकाना है, और नेल ग्लू से पूरे अच्छे से ड्राई होने के बाद ही इसको छोड़ना है, क्योंकि वो तुरंत निकलने की चांसेस हो जाती है। इसलिए आपको भी अच्छे से ड्राई करना है, एक एक नेल चिपका के और अच्छे से ड्राई करके उसको रखना है, क्योंकि वैसे आपका नेल ज़्यादा दिन तक अच्छे से स्टे करे, क्योंकि अच्छे से फिक्सिंग होना चाहिए नेल को। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने ये नेल को अच्छे से ड्राई किया है। आप देख सकते हैं पूरे फिंगर को मैंने सेट किया है, और ऐसे ही आपको भी करना है। इसके बाद मैं इसको जितना साइज का नेल रखना है आप रख सकते हैं, आपको जितना लेंथ रखना हो आप उतना ही लेंथ रख सकते हैं। मैंने इनका ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है, जितना इनको नीड था, जितना इन्होंने कहा था उतना ही मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने पूरे फिंगर को किया है कट, सबका साइज एक साइज किया है, और इनको चाहिए था स्क्वायर शेप में, और मैंने इनको स्क्वायर परफेक्ट शेप दिया है। ऐसे ही आपको भी पूरे शेप को देना है पूरे फिंगर्स में, और आपको अच्छी तरह से उसको करना है रफनेस। इसके बाद आप कोई भी नेल पेंट आप चढ़ा सकते हैं। पहले आपको अच्छे से रफनेस करना है चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने फिनिशिंग के साथ कर रही हूँ, और वैसे ही आपको भी करना है। और ऑलमोस्ट आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल मेरा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको भी मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिले तो शायद आपको ये नेल आपको भी आ जाए लगाना, और आप भी लगा सकते हैं इजी वे में, बट आप मेरे वीडियो पूरी अच्छे तरह से देखें तो। और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैंने नेल को अच्छे से फिनिशिंग किया है। ऐसे ही आपको भी करना है पूरे फिंगर्स में, और ये भी देखना है कि किसी भी क्लाइंट की हाथ में वो ना लगे, थोड़ी सी रफनेस ना हो। आपको अच्छे से फिंगर को पकड़ के एक एक फिंगर्स को अच्छे से आपको करना है मसिफाई, और अच्छे से आपको करना है। और आपको भी ऐसे ही मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें। और आप मेरे वीडियो से आपको हेल्पफुल मिले तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। इसके बाद मैंने पूरे फिंगर्स को रफनेस किया है। ऐसे ही आपको पूरे फिंगर्स में एक एक फिंगर्स को लेके आपको रफनेस करना है। रफनेस करने के बाद आपको नेल पेंट जो भी चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं। पहले सबसे पहले इसको रफनेस करने के बाद आपको हार्ड जेल लगाना है। हार्ड जेल लगा के पूरा इसको ड्राई करना है नेल एक्सटेंशन के मशीन में। आप देख सकते हैं इसमें टाइमिंग होती है सेट करना। और इसके बाद मैंने इनका ब्लैक कलर, इनको पसंद था कि मेरा ब्लैक ही, आप कोई भी क्रिएटिविटी कीजिए, मैंने ब्लैक का ही किया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा था, और आई होप आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है मेरा फुल फाइनल वीडियो, और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।